हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें आप लोग जानेंगे कि यदि आप लोगों को दर्द है, किसी भी प्रकार का दर्द, चाहे वो कमर दर्द हो, कंधे का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, अर्थराइटिस का दर्द हो या सर्वाइकल का पेन हो, कोई भी दर्द हो, वो सभी दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपको दो तरह का ट्रीटमेंट बताऊँगी। एक तेल बताऊंगी जिसको आप दर्द पर लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको दूध में मिलाकर के दो ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिन्हें आप दूध में मिलाकर पिएंगे तो आपका दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए पहले तेल बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैतून का तेल लेना है। देखिए, आप कोई भी तेल ले सकते हैं, चाहे तो जैतून का तेल लीजिए या तिल का तेल लीजिए, ये दोनों ही दर्द के लिए बहुत ही अच्छे तेल हैं। अब आपको इसमें कौन कौन सी सामग्री डालनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप करीब करीब एक पौरवे के जितना हल्दी का टुकड़ा लीजिए। हल्दी कौन सी लेनी है आपको, साबुत हल्दी लेनी है। और फिर उसके बाद में आपको जायफल, एक जायफल लेना है, उस जायफल के टुकड़े कर लीजिए और उसे भी आपको तेल में डाल लेना है। तीसरी चीज़ आपको हींग लेनी है। हींग कितनी लेनी है आपको, करीब करीब 2 से 3 चुटकी आप हींग ले लीजिए। और इसके अलावा आपको अजवाइन लेनी है। देखिए, ये चारों चीज़ें आपको तेल में डाल लेनी है और जब तक तेल को पकाना है, जब तक कि इसमें ये सारी चीज़ें जो पड़ी हुई हैं वो ब्राउन कलर की ना हो जाएं। तो जब ये ब्राउन कलर की हो जाएं तब गैस को बंद कर दीजिए और फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को उस तेल में ही पड़ा रहने दीजिए। जब तेल ठंडा हो जाए तब उसे छान कर किसी दूसरी बोतल में भर कर रख दिए। ये चार चीज़ें ही आपको इसलिए लेनी है क्योंकि इन चारों ही चीज़ों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और हल्दी में तो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन को, यानी कि जो आपकी सूजन है उसको ख़त्म करेगी, जो दर्द है उसे ख़त्म करेगी। तो इस तरह आपको तेल बना लेना है और दिन में 2 बार मालिश करनी है, सिकाई और मालिश। देखिए, तेल तो आप इस तरह से बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको साइटिका का दर्द है तो इस तेल की मालिश करने से पहले आपको सिकाई भी करनी बहुत ही ज़रूरी है। सिकाई किस तरह से करनी है साइटिका के पेन में, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर के देख सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको सर्वाइकल में कैसे इसकी मालिश करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सर्वाइकल का जो पेन है वो गर्दन में होता है, कंधों में होता है। अगर आपको सर्वाइकल की वजह से गर्दन में दर्द है तब आप तेल लगा करके और जो आपकी कमर है, कमर से और सर की तरफ मालिश कीजिए, यानी कि आपको उल्टी मालिश करनी है, जबकि इसको उल्टी मालिश नहीं कहते हैं, तो इस तरह से आपको मालिश करनी है तो आपका सर्वाइकल का पेन ठीक हो जाएगा। साथ ही मैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, आपको दूध में मिला करके दो चीज़ें कौन कौन सी लेनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आप थोड़ी सी कच्ची हल्दी लेंगे और उसे दूध में मिक्स कर देंगे। जब आप दूध को उबालेंगे तब उस थोड़ी सी हल्दी को डाल लेंगे और एक उबाल दूध में लगाएंगे और उसे छान करके, और जब वो हल्का सा ठंडा हो जाए तब यदि गर्मियां हैं तो मिश्री मिला लेंगे, और अगर सर्दियां हैं तो शक्कर या गुड़ मिला लेंगे। और यदि आप शुगर पेशेंट हैं तो आप दूध को ऐसे ही पी सकते हैं बिना किसी कुछ मीठा मिलाए, और आप शहद भी मिला सकते हैं इसमें। तो इस तरह से यदि आप दूध पिएंगे जिसमें कि हल्दी मिली हुई है और तेल का इस्तेमाल करेंगे तो आपका कैसा भी दर्द हो, कितना भी पुराना दर्द हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। खासकर जोड़ों का दर्द हो, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो या साइटिका का दर्द हो। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।